कि आज मैं ये मेरा लेमू का जो पौधा है ये इस तरीके की बोरी में लगा हुआ था काफ़ी दिनों से, लगभग 1 साल से, और इसमें 2-4 फल भी आए थे। तो अब इसकी बोरी एकदम ये देखिए इस तरीके से ख़राब हो गई है, सड़ गई है। तो अब मैं इसे इस अच्छी सी बाल्टी में देखिए लगाऊंगा। इसमें ड्रेनेज होल नीचे कर लिया हूँ मैं, अब इसमें किंकड़ रख के लगाऊंगा। ये बारहमासी वाला जो लेमू आता है जो हरदम इस पे फल रहता है, ये वही वाला लेमू है। तो अब चलिए मैं इसे लगाता हूँ। आप भी अगर लेमू का पौधा या कोई भी पौधा लगाएं बड़ी सी इस तरीके की बाल्टी में, तो उसमें देखिए इस तरीके से अपने गार्डन का जितना भी वेस्ट ये मटेरियल होता है, ये पत्ती उत्ती इस तरीके की और बाकी सब चीज़, उसे अगर आप गमले में नीचे भर देंगे तो धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज होगी तब काफ़ी अच्छी खाद वहाँ पे बन जाएगी। ये मिट्टी मैं उसमें डाल रहा हूँ। बरसात में तो पौधे को रिपोर्ट करना काफ़ी सही रहता है, एकदम अच्छे से लग जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करना है तो बरसात में करें, ये जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छे से अब हो जाएगा रिपोर्ट। तो अब देखिए इसको मैं इस तरीके से इसकी मिट्टी हटा के और इसमें कुछ अच्छी मिट्टी डाल के लगाऊंगा इसे। फिर उसके बाद काफ़ी अच्छे से केयर जब मैं करूंगा तो इसमें खूब सारे फ्लावर और फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब मैं इसे आधी मिट्टी इसमें डाल दिया हूँ। फिर ये काफ़ी मजबूत है, देखिए इस तरीके से उठा के इसमें डालूंगा तो ये देखिए जा नहीं रहा। तो अब इसकी किनारे की मिट्टी सारी हटा के फिर मैं इसे इसमें डालता हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें पूरी मिट्टी ऊपर तक भर दे रहा हूँ, तब काफ़ी अच्छे से देखिए खूब हिला के इसमें एकदम मिट्टी नीचे तक बैठ जाए, तब इसमें ये प्लांट एकदम अच्छे से अब चलेगा बनकर। ये देखिए अब मैं इसमें लगा दिया हूँ। इसमें आप गोबर की खाद ज़रूर इसकी मिट्टी में मिलाएं, तब ये काफ़ी अच्छे से एकदम फ्रूटिंग करेगा। तो अब मैं इसमें पानी पूरा भर दूंगा। फिर ये 1-2 दिन मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहाँ शेड आए, तब ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर लेगा यहाँ पे। अपने प्लांट में आप पानी एकदम ज़्यादा भर के दें शुरू में, ताकि पहले दिन एकदम पानी उसका ड्रेनेज होल से निकलने लगे, तब एकदम अच्छे से वो सर्वाइव कर लेगा एकदम अच्छे से। तो इसी तरीके से आप भी लगाएं।